हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं एलियन रोमुलस इस मूवी के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है और एलियन फ्रेंचाइजी का ही वन ऑफ पार्ट है। अगर आप पहली बार एलियन सीरीज का कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूं। ये समय फ्यूचर का है। पूरी दुनिया पर वेलैंड यूतानी कॉरपोरेशन नाम के एक बहुत ही बड़े कंपनी का राज है। इस कंपनी के अंडर काफी सारे अलग अलग प्लैनेट्स आते हैं। इस फ्रेंचाइजी में कहानी का सबसे फर्स्ट पार्ट है एलियंस, जहाँ से ये सारी कहानी की शुरुआत हुई थी, जिसका साल है 2122। आप ये एलियन मूवी का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब एलियन रोमुलस, ये कहानी फर्स्ट एलियन मूवी के 20 साल के बाद की कहानी है, यानी कि पूरे टाइमलाइन के हिसाब से ये सेकेंड मूवी पड़ती है। इन दोनों मूवीज का छोटा सा रिलेशन है जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था वेलैंड यूतानी कॉरपोरेशन का एक स्पेस क्रू कुछ सिग्नल्स का पीछा करते हुए एक ग्रह पर आते हैं, जहाँ पर उनका सामना एलियन से होता है और पूरी शिप इन्फेक्ट हो जाती है। सारा क्रू मारा जाता है सिवाय लीड एलन रिप्ले के। उस मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं एलन रिप्ले खुद को बचाने के लिए जो ज़ेनोमॉर्फ एलियन है उसे अपने शटल के बाहर इजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो खुद शटल से अर्थ पे आने के लिए निकलती है। वही ज़ेनोमॉर्फ डीप स्पेस में खींचा चला जाता है और कुछ मलबे में स्टक हो जाता है। लेकिन एलियंस के इन जीवों में कई सालों तक जीने की क्षमता होती है। अब 20 साल के बाद, यानी कि इस मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेलैंड यूतानी कॉरपोरेशन को पता चलता है कि जो ज़ेनोमॉर्फ एलियन था उसका कुछ अंश कुछ मलबे में फंसा हुआ है। अब ये लोग डीप स्पेस में ट्रैवल करके उस मलबे को ढूंढ निकालते हैं और अपने एक रिसर्च लैब के स्पेस स्टेशन में लेकर आते हैं। अब ये शॉट इधर ही कट होता है। हम एक दूसरे प्लैनेट यानी जैक्सन स्टार को देखते हैं। ये प्लैनेट भी वेलैंड यूतानी का ही होता है जो इंसानों को मजदूर बनाकर यहाँ पे लाते थे। अब हम कहानी के लीड रेन को देखते हैं। वो अपने अडॉप्टेड भाई एंडी के साथ होती है। एंडी एक रोबोट है जो रेन के ही पिता ने बनाया था रेन का देखभाल करने के लिए। रेन को ये प्लैनेट जरा भी पसंद नहीं था क्योंकि इस प्लैनेट पर ज्यादातर रोशनी नहीं पड़ती थी और यहाँ पर उन्हें मजदूरों जैसा काम करना पड़ता था। लेकिन आज वो काफी खुश है क्योंकि इस प्लैनेट के रूल्स के अनुसार आज वो इस प्लैनेट से हमेशा के लिए निकल सकती है। इसीलिए वो शिप का टिकट निकालने के लिए ऑफिस आती है, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर जाता है क्योंकि नए रूल्स के अनुसार अब रेन को और 24,000 घंटे इस प्लैनेट पर गुजार कर काम करना होगा। ये सुनते ही रेन को काफी गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ से ये दोनों भी अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाते हैं, जिनमें होता है टेलर, टेलर की बहन के जो कि प्रेग्नेंट है, फिर टेलर का कजन जॉन और जॉन की गर्लफ्रेंड नवारो। ये सभी लोग यहाँ से निकलकर प्लैनेट वागा में सेटल होना चाहते थे, लेकिन प्लैनेट वागा यहाँ से काफी दूर होता है, जहाँ पहुँचने के लिए इन्हें काफी ज्यादा फ्यूल और उसके साथ साथ क्रायो चैम्बर्स की भी जरूरत होगी जो कि इनके पास नहीं थे। लेकिन तभी टेलर बताता है कि इसी जैक्सन प्लैनेट के ऑर्बिट पर एक अबैंडन्ड स्पेस स्टेशन है जिसमें फ्यूल के साथ साथ उन्हें क्रायो चैम्बर्स भी मिल सकते हैं, जो फिर यूज करके ये लोग अपने सफर के लिए आगे निकल सकते हैं। लेकिन इस स्पेस स्टेशन को खोलने के लिए उन्हें वेलैंड यूतानी का एक्सेस चाहिए रहेगा। अब एंडी वही रोबोट था जो इसी कंपनी द्वारा बनाया गया था, इसीलिए उन्हें एंडी की मदद चाहिए होगी। लेकिन रेन पहले मना कर देती है क्योंकि वो एंडी को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन एंडी उसे समझाता है कि इस काम में कोई खतरा नहीं होगा, इसीलिए वो हाँ कर देती है। जिसके बाद ये लोग तुरंत अपनी स्पेसशिप लेकर इसी प्लैनेट के ऑर्बिट में चले आते हैं, जहाँ पे वो स्पेस स्टेशन था। अब यहाँ आने के बाद हमें समझ आता है कि ये स्पेस स्टेशन वही लैब है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे क्रू मेटियोर लेकर आए थे। लेकिन अब देखने के लिए ये पूरा लैब अबैंडन था, सब कुछ तबाह हो गया था। वही हम एलियंस के काफी सारे अवशेष भी यहाँ पे देख पाते हैं। अब ये काफी बड़ा स्टेशन होता है जिसके दो पार्ट्स हैं। एक का नाम होता है रेमिस और दूसरे पार्ट का नाम होता है रोमुलस। ये लोग रेमिस पहुंच जाते हैं। लैंड होने पर इन्हें समझ आता है कि स्टेशन का रोमुलस जो हिस्सा है वो जल्दी ही क्रैश होने वाला है, लेकिन टेलर उन्हें बताता है कि उसे बस 30 मिनट लगेंगे अपना काम खत्म करने के लिए। फिर एंडी, टेलर और टेलर का कजन जॉन रोमुलस वाले पार्ट जाने के लिए निकलते हैं। वही रेन, के और नवारो
रेमस में ही बैठकर उन्हें मॉनिटर कर रहे थे। अब ये लोग स्पेस स्टेशन में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे स्टेशन का हाल बहुत ही खराब हो गया था। एक जगह पे तो बहुत ही बड़ा होल भी हो गया था। साइड में ही उन्हें एक इंसान का आधा शरीर मिलता है। ये देख वो लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन इन्हें समझ आता है कि ये इंसान नहीं एक रोबोट है। अब आसपास ढूंढते हुए टेलर उन क्रायो चेम्बर्स को ढूंढ लेता है, लेकिन उनमें ज्यादा फ्यूल नहीं था, इसीलिए अब ये लोग स्पेस स्टेशन में इधर उधर घूमकर फ्यूल की तलाश करने लगते हैं। लेकिन गलती से कुछ बटन्स दब जाते हैं और ये लोग एक लैब में फंस जाते हैं। ये लैब पूरी फ्रोजन थी और यहाँ पर काफी सारे फेस हगर्स को, यानी कि एलियंस को फ्रीज करके रखा हुआ था। लेकिन यहाँ इंसानों की हलचल के कारण ये लैब ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ाने लगती है। अब ये लोग उस लैब में लॉक हो जाते हैं और एंडी उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मॉडल पुराना था, इसीलिए उसके पास लेटेस्ट सिक्योरिटी कोड्स नहीं थे। अब ये सब कुछ देखते हुए रेन और नवारो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पे आने लगते हैं। अब जाते हुए रेन को वही रोबोट दिखाई देता है। अब उसे एक आइडिया आता है कि इस रोबोट के पास यहाँ के सिस्टम के कोड्स होंगे, इसीलिए वो उस रोबोट की चिप निकालती है जिसमें सारी कोड्स की इन्फॉर्मेशन थी। फिर वो एंडी की जगह पर पहुंच के उसे वो चिप डालने के लिए देती है। अब एंडी खुद में वो चिप डालकर रिबूट होने लगता है। इसी दौरान वहाँ पे पूरा हल्ला मच जाता है। एक एक चेम्बर खुलने के बाद वो सारे फेस हगर बाहर निकलकर इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। जैसे ही एंडी रिबूट होकर डोर ओपन करने लगता है, सभी लोग वहाँ से बाहर आने लगते हैं, लेकिन एक फेस हगर नवारो के फेस को चपेट लेता है। अब सभी लोग बाहर आने के बाद उस लैब को बंद कर देते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। अब ये लोग उस आधे रोबोट को मशीन से कनेक्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ के साइंटिस्ट की टीम ने मेट्रोइड से एलियन के अवशेषों को निकाला था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वहाँ पे ज़ेनोमॉर्फ के काफी सारे क्लोन्स बनाए थे और एलियन इतना पावरफुल हो गया कि इनके ऊपर भारी पड़ने लगा। एलियंस ने इस पूरे स्पेस स्टेशन को तबाह कर दिया। वही सामने उन्हें ज़ेनोमॉर्फ का एक सांचा भी दिखाई देता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब यहाँ पर रेन उस फेस हगर को नवारो के चेहरे से निकालने के लिए फ्रीजिंग टॉर्च यूज करती है, लेकिन हमें पता है कि नवारो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। वही हम एंडी को देखते हैं, जो पूरा अब बदल गया है। लेटेस्ट चिप के कारण उसका पूरा सिस्टम अपग्रेड हो गया है। वही उसकी लॉयल्टी भी वेलैंड कॉर्पोरेशन के लिए हो गई है और वो उन्हें यहाँ से भागने के लिए रोकने लगता है। ये देखकर जॉन उसे मारता है और नवारो के साथ जाने लगता है। के भी उनके साथ आती है। नवारो के और जॉन अब स्टेशन के एक दूसरे शटल लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पे नवारो की तबीयत अचानक से खराब हो रही थी। उसे लग रहा था उसके शरीर में कुछ तो घूम रहा है, इसीलिए वो एक एक्सरे टॉर्च को यूज करके अपने बॉडी के अंदर देखती है और तभी उसे एक क्रीचर अंदर दिखाई देता है और देखते देखते अचानक से उसकी चेस्ट फट जाती है और नवारो की वहीं पे डेथ हो जाती है। इसी दरमियान इनकी शटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और स्टेशन के एक हिस्से से जाकर टकराती है। वही के देखती है कि नवारो के शरीर से अब एक छोटा सा एलियन बाहर निकल रहा है, इसीलिए वो डरकर वहां से भागने लगती है। तो यहाँ पे रेन, टाइलर और एंडी अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए दूसरे चेंबर में आते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें वही लैब से गुजरना पड़ता है जहाँ पे फेस हगर थे। इसीलिए एंडी एक प्लान करता है और वो चेंबर का टेम्परेचर इंसानों के बॉडी के टेम्परेचर जितना बढ़ा लेता है, जिसे फेस हगर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये लोग बिना आवाज किए उस चेंबर से गुजरने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम के को देखते हैं, जो एलियन नवारो के शरीर से निकला था वो कुछ ही मिनटों में अब पूरा ग्रो हो गया था और ज़ेनोमॉर्फ में बदल रहा था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वापस स्पेस स्टेशन में आने के लिए निकलती है, लेकिन तभी पीछे से जॉन आता है और उसे रोकता है, क्योंकि सामने एक दूसरा एलियन था। अब उस एलियन को मारने के लिए वो कुछ जलती हुई चीज से उसके ऊपर हमला करता है, इसीलिए दोनों भी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वो एलियन मरा नहीं था, वो अब जॉन के ऊपर अटैक कर देता है और उस एलियन का पूरा एसिड उसके शरीर में गिरकर बुरी तरीके से मारा जाता है। अब ये देख कर के बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए चेंबर के दरवाजे की तरफ भागने लगती है, लेकिन दरवाजा लॉक था, इसीलिए वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज इस लैब में आती है जहाँ पे फेस हगर थे।
और अचानक से वही लोग टेलर और इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। एंडी बड़ी ही मुश्किल से इन दोनों को बचाकर चेंबर से बाहर निकालता है। ये लोग अब यहाँ पर सेफ थे। वही दूसरे साइड में के होती है। अब रेन एंडी को जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन एंडी दरवाजा ही नहीं खोलता क्योंकि उसका कहना था कि के शायद इन्फेक्टेड हो सकती है। और तब तक पीछे वो एलियन आ जाता है और के ऊपर हमला करके उसे घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। अब ये देखकर रेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एंडी को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं थे। लेकिन एंडी उन्हें बताता है कि वो इन दोनों को ही बचाना चाहता है। इसके बाद एंडी उन दोनों को भी एक लैब में लेकर आता है। यहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक मॉनिटर में वही हाफ रोबोट उन्हें बताता है, यहाँ पर एलियंस पर एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने एलियंस के शरीर से एक सीरम बनाया था जिसे एलियन की तरह ही अब इंसानों की ग्रोथ भी जल्दी हो सकती है और मरते हुए इंसान भी दोबारा पहले जैसा हो सकता है। यहाँ पे रेन एक वीडियो भी देखती है जहाँ पे एक चूहा मरने के हालत में था और उसे वो सीरम दिया जाता है जिसके कारण वो दोबारा पहले जैसा हट्टा खट्टा हो जाता है। अब उन्हें यहाँ पर कुछ वेपन्स भी मिलते हैं एलियंस को मारने के लिए। अब इनके जाने के बाद हम उसी वीडियो में देखते हैं, अचानक से उसकी बॉडी फट जाती है और एक अजीब सा एलियन बाहर निकलता है, यानी कि ये सीरम 100% टेस्टेड नहीं था। अब इधर लैब से जब ये लोग बाहर आते हैं, कॉरिडोर एलियन से भरा हुआ था। एलियंस ने अपने यहाँ पे एक कॉलोनी ही तैयार की थी। अब ये लोग बिना आवाज के वहाँ से जा ही रहे थे तभी टेलर को अपनी बहन के की आवाज आने लगती है, तो वो फौरन उसे बचाने के लिए एलियंस की कॉलोनी के अंदर जाता है। के उन्हें उन्हीं एलियंस के बीच में लटकी हुई नजर आती है। अब टेलर उसे किसी तरह नीचे उतार कर बाहर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एलियंस उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इसी बीच में के की हालत भी काफी खराब होने लगती है, तो एंडी उसे उन्हीं साइंटिस्ट ने बनाया हुआ सीरम अपने बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन रेन मना कर देती है। तो यहाँ पर एलियन टेलर को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। वही इस लड़ाई में एंडी भी काफी हद तक जख्मी हो गया था। तभी यहाँ पे रेन के को उठाकर एक सेफ जगह पे रखती है, जिसके बाद वो एंडी को बचाने के लिए वापस आती है और उसके एडवांस चिप को निकाल देती है जिससे एंडी वापस पहले जैसा हो जाता है। लेकिन तब तक एलियंस को इनकी भनक लग गई थी और अब एक एक करके सारे ज़ेनोमॉर्फ उस कॉलोनी से बाहर आकर इनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। रेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है, वहाँ की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को वो खत्म कर देती है। सारे एलियंस लटकने लगते हैं, लेकिन वो लैब से लाई हुई गन के मदद से अब एलियन को शूट करने लगती है, लेकिन अचानक से उसके हाथ की भी गन नीचे गिर जाती है, जिसके बाद एक एलियन उठाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन तब एंडी ठीक टाइम पर आता है और एलियन को शूट कर देता है और उसे वहां से लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ के को बहुत ही पेन हो रहा था और इसीलिए वो ना चाहते हुए भी वो सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है। अब उसी दरमियान वहां पे एंडी और रेन भी आ जाते हैं और तीनों मिलकर वापस सेफली अपने शिप में आ जाते हैं और देखते देखते रोमुलस ये हिस्सा पूरा ब्लास्ट हो जाता है। उसी के साथ तीनों क्रायो चेंबर्स लेकर अपने शिप में लौट आते हैं, जिसके बाद के को क्रायो चेंबर्स में डालती है और खुद भी जाने लगती है। लेकिन तभी के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए वो तुरंत उसे चेंबर से निकालती है और उसे उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ती है। लेकिन उस सीरम के कारण बच्चे के जगह पर कुछ अजीब सा क्रीचर जन्म लेता है। ये देखकर रेन बहुत ही डर जाती है और उसे उठाकर डिस्ट्रॉय करने जाती है। लेकिन तभी शिप में बहुत ही अलार्म बजने लगते हैं। जब वो चेक करके वापस आती है तब वो क्रीचर बड़ा अजीब सा क्रीचर बन गया होता है और वो के को मारने वाला होता है कि तभी रेन जल्दी से उसके ऊपर अटैक करती है और वहां से भाग जाती है। फिर वो अपने रूम में आकर स्पेस सूट पहनकर उस क्रीचर से बचने के लिए शिप के बाहरी वाले हिस्से में लटक जाती है। क्रीचर जब उसके पीछे पीछे अटैक करने आता है तब वो बड़े चालाकी से उसे स्पेसशिप से बाहर गिरा देती है और खुद वापस अंदर चली आती है। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेन और एंडी ही सिर्फ यहाँ पे सरवाइव कर पाए हैं और अब दोनों भी प्लैनेट वागा की तरफ जाने के लिए निकलते हैं और ये पार्ट इधर ही खत्म होता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।